हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से सॉल्व करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड। जो भी ऐसे स्टूडेंट है, जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपको बीटीसी करना अनिवार्य है, जिसे डीएलएड बोला जाता है यूपी के अंदर। तो अगर आपको डीएलएड करनी है और अगर आप चाहते हो कि आप यूपी से डीएलएड करो, तो आज हम आपको बताएंगे कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2022 के जो ऑनलाइन वो आज शाम तक जारी हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट जो रहेगी वो 7 जुलाई तक रहने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आप भी कोई डिप्लोमा करें, कोई कोर्स करें, तो आप यूपी डीएलएड के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो आप समझ लीजिए। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हो, तो आपकी ग्रेजुएशन 50% नंबर से पास होनी चाहिए, मतलब जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए, ठीक है। और एससी और एसटी कैंडिडेट की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 45% होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब फीस जान लीजिए। अब इसको आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे, इसकी जो फीस है जनरल और ओबीसी की 500 रुपये है, और एससी की 350 रुपये है, 300 से 350 रुपये का अप्रॉक्स है, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पे आप जाना है, आपको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर, गवर्नमेंट आईडी, आपका पता वगैरह, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से मेरिट बेस है, यानी कि इस साल इसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बार कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यूपी में जो डीएलएड यानी जो बीटीसी के जो एडमिशन होंगे वो पूरी तरीके से मेरिट बेस होंगे, यानी कि आपको फॉर्म भर देना है, फिर लिस्ट आएगी, लिस्ट में अगर आपका नाम आया, मेरिट में आपका नेम आया, तो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। फिर देन उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट होगी, यानी उसके बाद 2 साल का आपको कोर्स करने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको क्लासेस अटेंड करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप चाहते हो आप टीचिंग लाइन में जाओ, तो ग्रेजुएशन आपकी क्लियर हुई होनी चाहिए, तो ही आप यूपी डीएलएड के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। तो बाकी फॉर्म आप 7 जुलाई तक भर सकते हो, आज शाम से फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वैसे आपको, वरना आप साइबर कैफे में भी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हो, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।